श्री कृष्ण भगवान ने भी द्वापर युग में कहा है, अर्जुन से कह रहे हैं कि योगस्तु करु कर्माणि संगे तकता धनंजय सिद्धाम सिद्धो समीभूतावाम समताम योग उचित। यानी कार्य की सफलता और असफलता को समान मानकर काम करें, यही संभाव योग है। तो मैं सभी से निवेदन करता हूं और बच्चों से हमेशा एक रिक्वेस्ट रहेगी या उनको भी देखना है कि सुबह उठकर अपने माता पिता को जरूर प्रणाम करें, उनको अस्सलाम वालेकुम बोलें या नमस्ते करें, क्योंकि कहा गया है कि लाला क्या हाल है अभिवादन तिलक क्या नृतम मृदो से बिना चतवारी तस्य वर्धन थे आयुर्विद्या यशोवर। अभिवादन शीलस्य नृतम मृदोप सेविना चतवारी तस्य वर्धन थे आयुर्विद्या यशोगल। यानी जो सुबह उठकर, सुनो सागर, जो सुबह उठकर अपने माता पिता को या अपने से बड़ों को प्रणाम करता है घर में, तो उसका आयु विद्या यश और बल की उसको प्राप्ति होती है। तो मैं सभी से और कल मैं इंडिविजुअली जहाँ पे जितने ये लोग सुन रहे हैं, खासकर बच्चे, इनको मैं कल पक्का पूछूंगा, कल छोड़ के अगर एक दिन छोड़ के मैं आता हूँ क्योंकि ड्यूटी का ऐसे शेड्यूल है, तो मैं उनसे पक्का पूछूंगा कि आप सुबह उठकर अपने से बड़ों को प्रणाम करना शुरू कर दिए ही नहीं करिए, अपने बड़े भैया को, अपनी बहन को, अपनी माता जी को और अपने पिताजी को, और जो चरण स्पर्श करके प्रणाम करते हैं उनको तो पूरा संसार में पूरा उनका आधा योगा वहीं हो जाता है, ये मेरा कहना है। पर अपने से बड़ों को प्रणाम करना वो कहा गया है कि योगस्तु करु कर्माणि संगे तकता धनंजय सिद्धाम सिद्धो समीभूतावाम समताम योग उचित। ओ थैंक यू वेरी मच, वेरी मॉर्निंग। और सुबह उठकर 5 लाइन जरूर बोले, 5 लाइन स्पीक टू यूर सेल्फ एवरी मॉर्निंग, आई एम द बेस्ट, आई एम ए विनर, I can do it, और God is always with me, and today is my day। ये 5 लाइन आप जरूर बोलें, बच्चे खासकर अपने बारे में जरूर बोलें कि I am a winner, I am the best, I will do it, और God is always with me, today is my day। ये जरूर बोलें, today is my day। और हर काम को, चाहे आप छोटा भी काम करते हैं, उसमें पक्का बोलो यार मजा। मैं तो अभी यहाँ से जाते ही कम से कम 1.5 किलोमीटर तक यही अपने अंदर बोलता हूँ कि यार मजा आ गया, आज मजा आ गया, खाना खा लिया यार मजा आ गया भाई, दाल भी ली मजा आ गया भाई, नहा गए मजा आ गया भाई। इससे क्या है पॉजिटिव, आती है मेरे मेरे मोबाइल में दो सिम है, एक एयरटेल का है, एक BSNL का है। अब मैं BSNL एक्टिवेट करूंगा तो BSNL ही ना चलेगा। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी नेगेटिव और पॉजिटिव दो सिम रखे हुए हैं। अब भैया तुमने नेगेटिव करना है, यानी एयरटेल चलाना है या BSNL चलाना है, एयरटेल नेगेटिव और BSNL है तो पॉजिटिव। इस प्रकार से फॉर एग्जांपल है, हो सकता है एयरटेल पॉजिटिव हो, BSNL नेगेटिव हो, तो अपने सिम को बढ़िया सिम चलाएं या पॉजिटिव सिम चलाएं, तो सिम पे ध्यान रखें कि अपने शरीर में जो सिम फिट हो। थैंक यू वेरी मच, ओके, बाय टू सी यू, ओके।